हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी, मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग के 10:30 बजे का ये टाइम होगा और यहाँ पे मैं करने लगी हूँ लंच की तैयारी। तो मेरे ससुराल में ना लंच की तैयारी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। जब मैं देहरादून में रहती हूँ तो ये टाइम तो मेरा होता है नाश्ते का। 10:30-11 आराम से बच जाते हैं देहरादून में मुझे नाश्ता करते हुए, पर गाँव में ना जल्दी उठने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। देहरादून में जल्दी भी उठाना तो ये होता है बच्चों को स्कूल वगैरह जाना होता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पर यहाँ पे अगर आप 5:30 बजे उठ जाते हैं उसके बाद जो है अपने काम शुरू हो जाते हैं। तो जैसे कि आजकल मैं भी गांव आई हूँ अपने ससुराल, तो मम्मी जी जैसे जानवरों का काम कर लेती हैं, बाहर का देख लेती हैं, तो मैं किचन का काम वगैरह ये सब जैसे सफाई वगैरह हो गई और खाना वगैरह बनाने की ड्यूटी मेरी होती है। तो जल्दी से नाश्ता हमारा ना 8 बजे तक नाश्ता निपट जाता है। उसके बाद जो है छोटे मोटे से जो भी काम होते हैं वो कर लिए और फिर बारी आ जाती है लंच की। तो लंच हमारा जल्दी बनना शुरू हो जाता है। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ कढ़ी चावल, और कढ़ी बिल्कुल गांव के तरीके से मैं बनाऊंगी। मम्मी जी ने गांव में, जैसे हमने भैंस पाल रखी है वो दूध देती है, तो उसका ही मट्ठा है, और गांव के मट्ठे का ना कढ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, बिल्कुल भी खट्टी नहीं होती है गांव का मट्ठा। अगर आप उसको वैसे ही भी नमक चीनी डाल के पियेंगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो उसकी कढ़ी भी ना बहुत टेस्टी बनती है। मम्मी जी तो बोल रही थी प्याज वगैरह भी कुछ मत डालो, वैसे ही बहुत अच्छी बनती है, पर फिर भी मैंने एक दाना प्याज ना आधा डाला था और थोड़ा सा मेथी से तड़का लगाया है कड़ी में, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ में मैं डालूंगी इसमें पेठे की बड़िया। तो हमारे गांव में इसी तरीके से कड़ी बनाई जाती है, बड़ी वगैरह डाल के जो पेठे की बड़िया बनती है ना, शायद आप लोग भी बनाते होंगे। हमारे उत्तराखंड में पेठे की बड़िया बहुत ज़्यादा बनती है। पेठे की बड़िया थी, उनको पहले मैंने गर्म पानी में थोड़ा देर भिगो के रख लिया था। उसके बाद थोड़ा देर भिगोने के बाद ना वो एकदम सॉफ्ट से हो जाते हैं, फिर उनको उनका पानी बिल्कुल निचोड़ लेना है, उनमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहने देना है। और फिर क्या करना है, उनको कर लेना है हमें ऑयल में फ्राई। उनको फ्राई करके हल्का सा उनका कलर चेंज हो जाएगा, उनको अलग निकाल लेंगे, फिर लगा लेंगे कड़ी में तड़का। और कड़ी में जो भी बेसन वगैरह घोल के डाला था वो डाल दिया है, ऊपर से डाल दिया है पेठे की बढ़िया। बस कड़ी बन के हो जाएगी मिनटों में तैयार। लंच में मैंने दाल भी बनाई थी गांव के साथ में, कढ़ी बनाई थी और साथ में बने थे राइस। लंच वगैरह हमारा हो चुका था। हमारे घर के पास ही हमारा एक पेड़ है माल्टे का, जो कि संतरा भी बोलते हैं, पर हमारे गांव में इनको माल्टा ही बोला जाता है। बहुत बड़े बड़े साइज़ के ये होते हैं। हमारा पेड़ है जो कि पूरा भर रखा है, पत्ते जिसमें कम है और माल्टे ज़्यादा लगे हुए हैं। तो जब हमारा गांव वाले का प्लान हुआ ना, तो मम्मी जी लोग यही बोले थे, आ जाओ माल्टे वगैरह पक रखे हैं, खा के जाओगे और देहरादून के लिए लेके भी जाओगे। तो आजकल जैसे लंच वगैरह हमारा होता है ना, तो हम बस माल्टे तोड़ के फ्रेश से पेड़ के लाते हैं और उनमें डालते हैं लहसुन का नमक गांव का, जो कि मम्मी जी खुद ही पीसती हैं, मतलब गांव में सभी लोग पीसते हैं इसको। और इस नमक के साथ तो इस माल्टे का ना मज़ा दुगना हो जाता है। बहुत ज़्यादा चटपटा सा ये नमक होता है और साथ में अपने पेड़ के फ्रेश से माल्टे, तो आप सोचिए कितना अच्छा लगता है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है इस तरीके से फ्रेश चीज़ें खाने में। तो जी, यहाँ पे हो गया है इवनिंग का टाइम, और गांव में जैसे ही शाम के 3:30 बजते हैं तो शाम का काम हमारा वैसे 3 बजे से शुरू हो जाता है। 3 बजे हम लोग अपनी इवनिंग वाली चाय पी लेते हैं, जबकि देहरादून में इवनिंग वाली चाय मेरी 5:30-6 बजे होती थी। तो गांव में ना सारे काम जो है टाइम टू टाइम होते हैं, कोई काम भी लेट नहीं होता। मेरे ससुर जी हैं तो उनको 3 बजे मतलब चाय चाहिए ही होती है। 3 बजे मम्मी जी पापा जी लोग हैं ना, वो लोग गाँव में चाय जल्दी पी लेते हैं, तो 3:30-3 बजे तक उनको चाय बना के ही पिलाई है। उसके बाद हम लोगों ने भी चाय वगैरह पी, फिर बारी आ जाती है जानवरों के लिए घास लाने की। तो बस घास काटने जाएंगे, और गांव में आके घास वगैरह काटने के लिए जाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि घास वगैरह हमने बचपन से ही काटी है, जब मम्मी के पास थी, मतलब शादी नहीं हुई थी उस टाइम भी मम्मी जी भी जानवर मेरे पालती थी, तो घास वगैरह काटना बहुत अच्छे से आता है। और मेरी सासू माँ हमेशा बोलती भी है कि तू तो मतलब घास वगैरह बहुत अच्छा और बहुत जल्दी काट लेती है। तो हम जा रहे थे घास काटने, और बिट्टू को ना गांव में आके ये सारी चीज़ें इंजॉय करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो भी आ गई थी हमारे साथ घास काटने के लिए। और
घास काटने के लिए हमारे यहाँ ना मेरे ससुराल में मतलब जंगल ही है पूरा। तो देखिए पूरे जंगलों के बीच में हम घास काटने आए हुए हैं। घास इतनी लंबी लंबी हो रही है आजकल कि बस जाओ और 10 मिनट में आपका घास तैयार हो जाएगा, क्योंकि घास इतनी लंबी है। कोई ये नहीं है आपको इधर उधर भटकना पड़ेगा घास के लिए, कहीं से भी आप शुरू करो घास काटना तो मिनटों में घास हो जाती है। तो जैसे जंगल का है ना, मेरे ससुराल में जंगल बहुत ज़्यादा है तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। यहाँ पर जंगली जानवर वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं तो डर लगता है, क्योंकि हैबिट नहीं है ना यहाँ पे रहने की। अब जैसे मेरे सास वो है ना, वो लोग यहीं पे ही रहे हैं पहले से ही, तो उनको डर नहीं लगता। तो मम्मी जी आई है साथ में, क्योंकि मेरे बस के अकेले आना तो था नहीं। मुझे लगता है डर, बस मैं और मम्मी जी जल्दी जल्दी काट लेंगे घास और फिर जाएंगे घर की तरफ। घास का ना हर जगह पर अलग अलग होता है। कई जगह जैसे यूपी की साइड वगैरह मैंने देखा है ना, तो वो लोग कुट्टी बना के देते हैं जैसे मशीन में घास काट के, उसके बाद अपने जानवरों को खिलाते हैं। पर मेरे हमारे उत्तराखंड में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे कोई मशीन वगैरह का यूज़ नहीं होता। बस इस तरीके से हमने डायरेक्ट घास काटी और सीधा भैंस को दे दिया, बस हम लोग ना ऐसे ही देते हैं। और घास का तो ऐसा होता है ना, जैसे जानवर है जो दूध वगैरह देते हैं, उनके लिए हरी घास ज़रूर चाहिए होती है। वैसे तो हमारे यहाँ पर जब असोज का महीना आता है उस टाइम पे सूखी घास काट के रख ली जाती है इकट्ठा करके, ताकि ऑफ सीजन में आप उसको खिला सको। पर जैसे इतनी ज़्यादा घास हो रखी है तो फ्रेश चीज़ तो फ्रेश ही होती है। चाहे हम लोग हैं, हम फ्रेश फ्रेश खाना खाते हैं उसका अलग ही मज़ा आता है। अगर हम एक दिन का बचा हुआ भी बासी खाना खाते हैं तो उसको खाने का हमारा मन नहीं करता। तो बस जानवरों का भी वैसे ही है, अगर आप उनको फ्रेश फ्रेश खाना देंगे, फ्रेश फ्रेश एकदम हरी हरी सी घास देंगे ना, तो उनका दूध भी बढ़ता है, नहीं तो उनका दूध ना कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना ध्यान देनी पड़ती है गांव में। आजकल तो मैं आई हूँ, चलो मैं तो एक हफ्ते के लिए ही आई हूँ, पर मम्मी जी को ना सब कुछ देखना पड़ता है, घर का मार्केट का सब कुछ उनको खुद ही देखना पड़ता है। तो जी यहाँ पे घास वगैरह काट ली है, 2 गठरी घास की बनाई है, एक तो मैं ले जाऊँगी, एक ले जाएंगी मम्मी जी। तो बस चलते हैं घर की तरफ। और इतना भारी होता है ना ये घास, क्योंकि जहाँ हम घास काटने आए थे ना उस साइड धूप भी बिल्कुल नहीं आती और इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी यहाँ पे। स्वेटर मुझे घास काटने के लिए खोलनी पड़ी, नहीं तो सारे ना कांटे कांटे लग जाते हैं घास के, तो वो बहुत ज़्यादा गंदे से चुभते हैं। क्योंकि जिस साइड हम घास काटने आए हैं ना, इस साइड धूप बिल्कुल भी नहीं आती है, बिल्कुल पेड़ इतने ज़्यादा है चीड़ के कि हवा मतलब धूप वहाँ पे बिल्कुल नहीं पहुँच सकती है। तो रास्ता भी ऐसा है ना एकदम फिसलन वाला, तो बहुत ज़्यादा ध्यान से चलना पड़ता है। तो चलिए आ गए हैं घर पे और मैं अब खाने की तैयारी करने लगी हूँ, और मम्मी जी आ गई है भैंस का दूध निकालने। तो शाम का उनका यही होता है, जैसे घास वास काट के आती है ना घर पे, सबसे पहला काम होता है जानवरों को देखना, दूध वगैरह निकालना भैंस का। तो क्या हुआ ना, दूध में जैसे चाय बनाने लगी थी जब हम घर पे आए थे तो दूध कम था, तो मम्मी जी दूध निकालने आई थी और हस्बैंड आ गए थे एक ग्लास लेके दूध लेने के लिए। तो उन्होंने थोड़ा सा मेरे फ़ोन से वीडियो भी शूट कर दिया था, मैं तो नहीं आई थी क्योंकि जहाँ हमारा भैंस रहता है वो हमारा अलग वाला घर है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं वो अलग है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा ही है पर अलग अलग है। तो हस्बैंड ग्लास लेके आए थे दूध लेने के लिए। और ये सारी चीज़ें ना सच में सोच के और देख के बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं हम सभी चीज़ों को, क्योंकि शहरों में रह के तो ये सारी चीज़ें देखना ही मतलब इम्पॉसिबल है। जब भी आपको कुछ करना भी होता है तो मार्केट भागो, पर घर में अगर आपको फ्रेश फ्रेश चीज़ मिल जाती है एकदम ताज़ा ताज़ा भैंस का दूध, और देखो मतलब कितना अच्छा लगता है ना। और ये दूध भी ऐसा होता है ना गाँव का, मतलब आप थोड़ा सा भी डालेंगे ना, आधे गिलास से भी कम, तो आपकी चाय ऐसी बनेगी कि बिल्कुल ऐसा लगेगा आप जैसे दूध पी रहे हैं, इतनी ज़्यादा गाढ़ी चाय बनती है। और ना तो इसमें आपको अदरक की ज़रूरत पड़ेगी, ना तो किसी मसाले की, ऐसे ही इस चाय का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पे मम्मी जी लोग दूध निकाल ही रहे थे, हस्बैंड ने थोड़ा सा वीडियो शूट करा था, चाय वगैरह मैंने बना दी थी, जब तक मम्मी जी आएंगी दूध निकाल के इतनी देर में मैं आग जला दूंगी। तो मम्मी जी आ गई थी दूध निकाल के, तो हमारी कुछ ना कुछ बातें भी चलती रहती हैं। दूध निकाल के वो आई थी और मैं अब खाने की तैयारी करूँगी। खाने में जो है आज बनेगी गांव की फ्रेश फ्रेश सी हरी सब्जी, जो कि मुझे मतलब आप कभी भी दे दो बहुत ज़्यादा पसंद है हरी सब्जी खाना। तो हरी सब्जी मम्मी जी लेके आई थी, मैंने हरी सब्जी कट करके उसमें आलू वगैरह कट करके रख दिया है। हरी सब्जी पापा जी ने कट कर दी थी जब हम घास काटने गए थे, बस मैंने उसमें आलू कट करे हैं। और ना तो किसी मसाले की ज़रूरत है, बस सिंपल सा खाना बनता है हमारे गाँव में, और स्वाद में भरपूर होता है, सेहत में स्वाद में
में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो चलिए यहाँ पे जो है आग जल गई है, मैंने सब्जी चढ़ा दी है। सब्जी में कोई तामझाम ज़्यादा कुछ नहीं करा, मस्टर्ड ऑयल डाला है, उसमें जखे का तड़का लगाया है, बस आपकी सब्जी बन के तैयार होगी। मैंने प्याज भी डाला या नहीं मुझे नहीं याद है, शायद आधा दाना ही डाला होगा अगर डाला होगा तो। तो देखिए यहाँ पर सब्जी बना लेते हैं, और आज के लिए भी सॉरी बोलूँगी क्योंकि वीडियो थोड़ा छोटा है। आप लोग बोल रहे थे कि दीदी वीडियो थोड़ा लेंथी बनाइए, बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि गाँव में ना नेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। वीडियो मैं कैसे कैसे अपलोड कर रही हूँ मैं जानती हूँ, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, पर आप सबके पास वीडियोस पहुँचाना ज़रूरी है, तो मैं छोटी छोटी सी ही शूट कर पाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो जाती है ना तो मेरा नेट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और कभी कभी तो फिर ऐसा हो जाता है ना वीडियो मेरी आधी अपलोड हुई रह जाती है, और ना तो फिर वो वीडियो इधर की रहती है ना तो उधर की रहती है, इस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं इस वजह से ना आपके लिए छोटी छोटी सी वीडियोज़ ही शेयर कर रही हूँ, ताकि वीडियो छोटी भी हो आप लोग डेली देख भी पाओ, आप लोगों को भी ये ना लगे कि दीदी वीडियो नहीं डाल रही है, और मेरा भी वीडियो जो है डेली डेली जाता रहे। तो कुछ दिन के लिए आपसे सॉरी कहूँगी, वीडियो में अभी आपको 10 या 12 मिनट का ही दूंगी, क्योंकि ज़्यादा लेंथी होगा तो फिर वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा मेरा फिलहाल। चलिए मुझे उम्मीद है आप लोग मेरी प्रॉब्लम समझेंगे, क्योंकि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतने प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल चलिए आज की वीडियो को भी यहीं पर एंड कर लेते हैं। वीडियो अगर आपको किसी भी वजह से ज़रा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।